जी, ये काफ़ी लंबे समय से मानसी जो इलेक्ट्रिक हमारे टारगेट्स हैं, और प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेशनल कंपनी इसको करती है और काफ़ी बार हमने इसके टेंडर भी किए, और आज मैं राजस्थान के खिलाड़ियों को और शूटिंग एसोसिएशन को बधाई देती हूँ कि ये 5,65,00,000 की लागत से जो हमारी शूटिंग रेंज के जो इलेक्ट्रिक टारगेट जो लगे हैं बहुत शानदार, बहुत ही उच्च कोटि के लगे हैं, जिससे हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में और खास करके एथलीट्स को कई बार डाउट होता था कि उसके पॉइंट्स क्या रहेंगे क्या नहीं, वो एक इलेक्ट्रिक विद स्क्रीन ये टारगेट्स हैं, एथलीट्स को तुरंत पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ लगा, कितने पॉइंट्स हैं, तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के लगे हैं। और आज स्टेट चैम्पियनशिप का भी ओपनिंग है, सभी एथलीट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, राजस्थान में इस बार जितना काम स्पोर्ट्स के लिए हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से खेलों को बहुत महत्व दिया गया है, चाहे आउट ऑफ टर्न पॉलिसी का रहा हो और चाहे इक्विपमेंट को लेके रहा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रहा हो, तो हमारी प्राथमिकता है कि राजस्थान के खिलाड़ियों को किसी तरीके की कोई कमी ना रहे और वो अपना जो प्रदर्शन है वो बेहतर करें, राजस्थान के लिए देश के लिए पदक जीतें। तो ठीक इसी तरीके से चाहे वो आर्चरी है, चाहे एथलेटिक है, फुटबॉल है, कोई भी गेम है, उस गेम को बेहतर बनाने के लिए हम तत्पर हैं। और अभी वर्तमान में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें 4 खिलाड़ी जयपुर के बने हुए हैं, उसी तरह से जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 3 कोटा राजस्थान के थे, आगामी जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक है उसके भी जो कोटाज हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे को भी राजस्थान से कोटा देखने के लिए मिलेगा। स्टेट के बाद सर नेशनल रहेगा तो किस तरह की रहेगी? जी हाँ, अब की बार पेरिस ओलंपिक को देखते हुए जो शूटिंग का कैलेंडर है वो 1 महीना प्रीपोन हो गया है। जैसा आपको ध्यान होगा पहले स्टेट चैंपियनशिप अगस्त में हुआ करती थी, अब की बार जुलाई में हो रही, उसके बाद जो प्री नेशनल हैं वो सितंबर में है, और अक्टूबर एंड में जो है नेशनल होंगे सारे इवेंट्स के, उसके बाद टीम ट्रायल इंडियन टीम ट्रायल्स होंगे, और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप इत्यादि सारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि राजस्थान के खिलाड़ी पूरे देश में अपना परचम लहराएंगे और पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगे।